तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप इस माउस के कर्सर के साइज को कैसे बड़ा या छोटा कर सकते हो, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने इस माउस के कर्सर के कलर को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों माउस के कर्सर के कलर को चेंज करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना है, वो भी बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों माउस के कर्सर के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ आपके लैपटॉप के नीचे एक विंडोज़ का आइकन शो हो रहा होता है, तो अब आपको इस विंडोज़ वाले आइकन पर टैप करना है। विंडोज़ आइकन पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, वहीं यहां आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है सेटिंग्स का। और अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये सेटिंग्स आपको यहां पे नहीं मिलता है तो सिंपली ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल रहा होता है, तो अब आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहां पे आपको सेटिंग्स लिख के सर्च कर लेना है। और सेटिंग्स लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो अब आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया विंडोज़ ओपन होता है, और इधर राइट साइड में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, वहीं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है एसेसिबिलिटी का। तो दोस्तों अब आपको इस एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एसेसिबिलिटी पे टच करने के बाद इधर राइट साइड में आपके सामने एक नया विंडोज़ ओपन होता है, और यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है माउस पॉइंटर एंड टच का। दोस्तों यहां से ही आप अपने माउस के कर्सर के कलर को चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए अब आपको माउस पॉइंटर एंड टच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया विंडोज़ ओपन होता है, और यहां पहले ही नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है माउस पॉइंटर स्टाइल का। दोस्तों यहाँ से ही आप अपने कर्सर के कलर को चेंज कर सकते हो। कलर को चेंज करने के लिए सिंपली अब आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैंने वाइट सेलेक्ट किया, तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि मेरे कर्सर का कलर वाइट है, और यहाँ से जब मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे माउस के कर्सर का कलर ब्लैक हो गया है। और यहाँ चौथे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है कस्टम का। दोस्तों यहाँ से आप अपने माउस के कर्सर के कलर को लाल, हरा, पीला कर सकते हो। तो कलर को चेंज करने के लिए अब आपको इस चौथे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत से कलर के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपने माउस के कर्सर के कलर को सिलेक्ट कर लेना है कि आपको अपने माउस के कर्सर का कलर किस तरह का रखना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने माउस के कर्सर के कलर को चेंज कर सकते हो।